सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है रसगुल्ले। पापा आज के दिन न्यू ईयर का टाइम है तो प्रसाद चढ़ा के ला चुके हैं मंदिर से, और यहाँ पे पापा सबको प्रसाद बांट रहे हैं। तो यहाँ पे चीकू भी मज़े से रसगुल्ले खा रहा है। और मॉर्निंग का टाइम था तो ये बाजरा है, और बाजरा मैं कबूतरों और चिड़िया के लिए लेके आई हूँ, और कुछ दिन ऐसे ही मुट्ठी भर डालती रहा करूँगी तो कुछ चिड़िया और कबूतरों के लिए खाना होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ आलू काट लिए हैं और बेसन का पेस्ट बना लिया है। क्यों ना आज पकोड़े बना लिया जाए, और जल्दी से पकोड़े बनाते हैं। और ये कुछ नलकी तल दी है मैंने बच्चों के लिए। गाइस, मैं अपने बर्थडे पे बच्चों को टॉयज नहीं दे पाई थी क्योंकि तबीयत खराब बहुत ज्यादा थी, तो मुझे मौका नहीं लग पाया था। तो आज व्यू नहीं आया हुआ, वो बाहर पार्टी करने गया हुआ है, तो आज के दिन ही दोनों बच्चों को दे देती हूँ। जो कल आएगा व्यू तो वो भी खेल लेगा। तो चलिए मिलते हैं हम बच्चों से। चलो चलो, ये एक हाथी दूसरे हाथी के साथ, ये और मेरी अम्मू का जी के आपका। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है हमारी शाम की न्यू ईयर पार्टी, और सब कुछ आ चुका है, मावा कचौड़ी, चाउमीन और समोसे। तो फैमिली के साथ यही मिल के सेलिब्रेट करते हैं घर में ही। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रिंकी शर्मा, और आज है 1 जनवरी, न्यू ईयर का दिन है, और 2022 आ चुका है, आप लोगों को पता है। तो आज के दिन मैंने किया है चिड़िया और कबूतरों के लिए। आज मतलब 1 जनवरी है तो कुछ ना कुछ न्यू करना चाहती थी मैं, उस वजह से मैंने चिड़िया और कबूतरों के लिए बाजरा वगैरह डाला है, और बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती की है, पार्टी की है, और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करी है, ताकि फर्स्ट डे जो मेरा है आज के दिन जो मैं न्यू करूँगी तो मेरा पूरा साल उस तरह से जाना चाहिए। इस वजह से मैंने छोटी छोटी खुशियाँ जो मेरी होती हैं आज मैंने वो पूरी की हैं। थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, और थोड़ी सी पार्टी कर ली, बच्चों के साथ मस्ती कर ली, और चिड़िया और कबूतरों के लिए बाजरा डाल दिया है। तो मुझे जो जो छोटी छोटी खुशियाँ जिसमें मिलती हैं आजकल, तो ऐसे बच्चों में ही मेरे को खुशियाँ मिलती हैं और शॉपिंग में मिलती हैं। शॉपिंग में तो यार हर लड़की को क्रेज़ होता है, हर लड़की को क्रेज़ होता है, शॉपिंग रोज़ हो जाती है चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से रोज़ नहीं हो पाती है, और थोड़ा सा बजट भी देखना पड़ता है लेडीज़ को, इस वजह से थोड़ी सी हार्ट टाइट करना पड़ता है ना, है ना। तो कभी कभी चलता है, लेकिन न्यू ईयर पे तो यार थोड़ा बहुत बनता था। ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया मैंने अपने लिए, मैंने अपने हेयर स्टाइल, मेरे को ये ना क्लिप्स वगैरह लगाने का बहुत ही मन करता है, तो छोटी छोटी चीज़ें ये ली हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती थी, ऑलरेडी चीकू बीमार हुआ उस टाइम पे, पैसे लग गए, और मैं भी बीमार चल रही हूँ तो उस टाइम पे भी दवाइयाँ चल रही हैं, तो खर्च नहीं कर सकती थी ज़्यादा पैसे। प्रे करूँगी भगवान से आप सबके लिए भी ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए, और कोविड में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भगवान से प्रे करूँगी कि भगवान बस पिछले साल जैसा साल किसी के घर में ना आए, और नया साल जो ये 2022 आया है ये सबके लिए अच्छा जाए, मेरे लिए भी अच्छा जाए, और पूरी फैमिली, पूरी यूट्यूब फैमिली,
और जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है उन सब के लिए बिग थैंक यू, बिग मतलब बहुत खुश हूँ मैं आज के दिन, और सब ऐसे ही खुश होने चाहिए। थैंक यू सो मच। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।